दोस्तों, परफेक्ट कॉर्नर कैसे बनाएं? जैसे कि बेडशीट में आपको कॉर्नर बनाना है या टेबल क्लॉथ में आपको कॉर्नर बनाना है, तो अच्छा परफेक्ट शेप कैसे दिया जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, हमने आपको बताने के लिए देखिए कपड़े का कटिंग कर लिए हैं, तो हमने कैसे कितना लिए हैं देख लेते हैं। लंबाई हमने यहाँ से 12 इंच लिए हैं और यहाँ से चौड़ाई में हमने 16 इंच लिए हैं। तो आपके कपड़ा का जैसे बेडशीट आप बना रहे हैं या टेबल क्लॉथ बना रहे हैं, आपका कोई भी साइज हो सकता है, ठीक है। तो जो हम आगे अभी स्टिचिंग के लिए हम बताएंगे वो आपका सेम मेजरमेंट होगा। तो देखिए, आपको आधा आधा इंच का मार्किंग कर लेना है पूरे कॉर्नर में। तो यहाँ से हम आधा इंच का निशान लगा लेंगे या हमने यहाँ से आधा इंच का यहाँ से निशान लगाया, आधा इंच यहाँ से, तो चारों तरफ से हमने कॉर्नर से आधा आधा इंच का निशान लगा दिए हैं। अब हमको एक निशान और लगाना है, तो कैसे लगाना है? तो कॉर्नर से आपको 1.25 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमारा 1.25 इंच आएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान लिए थे और यहाँ से हमने ये कॉर्नर को यहाँ से 1.25 इंच लिए हैं। तो ये जो हमारी अंदर की लाइन है 1.25 इंच की है और यहाँ से हमारा ये आधा इंच की लाइन है। तो इस प्रकार से आपको लाइन बना लेना है चौकोन से। तो चलिए, अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस कॉर्नर से आपको यहाँ पे 2.5 इंच आना है। यहाँ पे हमने निशान लगा दिए हैं और इस कॉर्नर से 2.5 इंच आपका यहाँ पे आना होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका 2.5 इंच आ गया। अब ये दोनों कॉर्नर को हम इस प्रकार से रख लेंगे। ये देखिए, अब इसको इस प्रकार से रख के आपको इस कॉर्नर से मिला देना है। ये देखिए, इस कॉर्नर से मिला दिए। इसी तरह हम चारों कॉर्नर में निशान लगा लेंगे। देखिए, यहाँ से हमने 2.5 इंच लिए और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिए। तो ये कॉर्नर आपको देख रहे हैं, तो इस पे मैच आपका मैच होना चाहिए। इस तरह से हमने सब पे निशान लगा लिए हैं। अभी आपको क्या करना है, अब तो हम निशान लगा लिए 2.5 इंच का कॉर्नर पे। अब ये जो आधा इंच हमने छोड़े थे, इस पे हमको प्रेस लगा लेना है। तो चारों कॉर्नर पे आपको प्रेस लगा लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है प्रेस से, जो आधा आधा इंच हम लिए थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये कॉर्नर आपका दिख रहा है जो हमने निशान लगाए थे, तो आपको इस प्रकार से देखिए कर लेना है। तो यहाँ पर हम एक टाची लगा देंगे, ये दोनों कॉर्नर मिला देंगे। इससे अच्छे से आपको पकड़ लेना है। ये देखिए, अब जो हमने यहाँ पे जो 1.25 इंच लिए थे, यहाँ पे आपको स्टिच करना है, सिलाई करना है। इसी तरह आपको सब कॉर्नर पे करना है। जो हमने यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगा दी है, चारों तरफ हमने देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम खोल के देखेंगे। तो इस प्रकार से आपको खोल लेना है सब कॉर्नर चारों का। देखिए, अच्छे से आपको खोल लेना है, ये पूरा कॉर्नर आना चाहिए आपका। तो देखिए, इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है कॉर्नर को कैंची डाल के, या आप कोई पेन रहेगा आपके पास, कोई भी चीज़ है नोक वाला, आप इस प्रकार से डाल के इस प्रकार से आपको कॉर्नर निकाल लेना है। देखिए, यहाँ पे जो हमने 1.25 इंच का लाइन लिए थे, अब इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करके चारों तरफ से प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको हमने कॉर्नर से प्रेस कर लिया है और बहुत परफेक्ट कॉर्नर आया है, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चारों कॉर्नर हमारा परफेक्ट बन गया है और इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। आप यहाँ से देखिए एकदम फिनिशिंग है और यहाँ से भी देख लीजिए एकदम फिनिशिंग में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई ले लिए हैं यहाँ किनारे से, तो हमारा ये परफेक्ट सिलाई हो चुका है और परफेक्ट कॉर्नर बन के तैयार हो गया। दोस्तों देखिए, ये डायग्राम के मदद से एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं।
देखिए आपका जो बेडशीट का लंबाई चौड़ाई जो भी साइज होगा, टेबल क्लॉथ का जो भी, अगर आप ऐसा परफेक्ट कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो आपको मेजरमेंट कैसा यूज करना है वो आपको बताएंगे हम। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से बाहर से पूरा कॉर्नर लेना है, यहाँ से आधा इंच लेना है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से आधा इंच का आपको पूरा कॉर्नर में मार्क कर लेना है। इसके बाद यही जो पहला मार्क हमारा यहाँ से अंदर की तरफ हमारा 1.25 इंच का मार्क होगा, तो यहाँ से 1.25 इंच चारों तरफ से आपको 1.25 इंच का मार्क करके इस प्रकार से आपको कॉर्नर बना लेना है। इस तरफ से आपका यहाँ तक बन गया। अब देखना है इस कॉर्नर से आपको ये कॉर्नर से 2.5 इंच यहाँ पे लेना है, 2.5 इंच यहाँ पे लेना है। ध्यान आपको कहाँ पे देना है, ये जो बीच का जो हमारा कॉर्नर है इस पे यहाँ पे टच होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कॉर्नर कैसे टच हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से आपका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मेजरमेंट जो हम आपको अभी बताए 1.25 इंच 1.25 इंच, ये सब में मेजरमेंट यही रहेगा। और आपका बड़ा क्या हो सकता है, ये चौड़ाई लंबाई। दोस्तों हमारा टेलरिंग ट्रिक कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर हमारा टेलरिंग ट्रिक आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए ट्रिक पाने के लिए। समझे, सीखे, सफल बने।